हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मानसी अरोरा फ्रॉम एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर यूनिट सेकेंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। फाइन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स हमारा जो इसमें जितने कंटेंट्स हैं इनकम वगैरह, वो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी अपने पढ़ रहे हैं, सेम रिपीटेड जो आपके टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल वे में है और वहाँ पर आपका न्यूमेरिक फॉर्म में भी होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो इसमें वर्ड आता है या पहला जो डेफिनेशन आता है, पहला जो मीनिंग आता है, व्हाट इज़ इनकम। इनकम हम सभी समझते हैं, इनकम होता क्या है, इनकम मनी है, ठीक है, कोई भी इक्विवेलेंट वैल्यू है मनी से, इक्विवेलेंट वैल्यू या फिर ठीक है कोई भी इंडिविजुअल और बिजनेस जो रिसीव करता है यूजुअली किस चीज़ के लिए, एक्सचेंज ऑफ जो वो अपनी सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं, ठीक है, थ्रू इन्वेस्टिंग कैपिटल के थ्रू जो हमें मिलता है, कितनी कुछ भी है प्रोवाइड करने से गुड्स को या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने से जो हम इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, फॉर अवर लाइवलीहुड, अपना हमें कमाना होता है अपनी ज़िंदगी को, जो अपनी अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, वो हम इनकम बोलते हैं उसको, ठीक है। डे टू डे जो हम एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं वो इनकम होती है, इसमें कोई वैसे बताने वाली बात नहीं है, ये सबको ही पता होता है। तो जो इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, पेंशन, जो सोशल सिक्योरिटी होती है, जो ये प्राइमरी सोर्स किसका होता है, इनकम फॉर रिटायर्स। नेक्स्ट है हमारा जो इसमें आपको जो समझाने के लिए कि अर्निंग्स इनकम को बोला जाता है, इनकम इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अर्निंग्स भी बोला जाता है। तो इनकम क्या है, मोस्ट ऑफन रिसीव्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरीज, ठीक है, सैलरी वेजेस इनकम होती है हमारी, ठीक है। बिजनेस इनकम कैन रेफर टू अ कंपनीज रिमेनिंग, जो रिवेन्यूज बचते हैं किसी भी कंपनी के आफ्टर पेइंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस और टैक्सेस है वो सब पे करने के बाद जो रिवेन्यूज बचते हैं इन हैंड, वो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो नोन एज अर्निंग्स। वही सेम बात यहाँ पे आपकी नेक्स्ट इसमें भी बताई हुई है कि इन्वेस्टर स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट है सच एज स्टॉक्स, जो हमारे बॉन्ड्स हैं या रियल एस्टेट्स हैं, मतलब फाइनेंशियल जितने भी एसेट्स होते हैं वो भी हमारी इनकम होती है। तो लास्टली हमें इनकम का मतलब पता चला है कि इनकम क्या है, मनी है, व्हाट एन इंडिविजुअल और बिजनेस रिसीव्स, ठीक है, जो रिसीव करें इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं या गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, इन्वेस्टिंग कैपिटल के थ्रू जो हम जो भी कुछ अर्न करते हैं, दैट इज़ इनकम। तो इनकम क्या है, मोस्ट ऑफन एक अर्न जो इनकम है वो वेजेस और सैलरी होती है, ठीक है, जो हम सिंपल वही कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है सारी चीज़ों की, वो हमारी जो उसका जो रिमेनिंग है सब कुछ, हम जब अपने टैक्सेस सारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं पे करने के बाद, इज इनकम। जो टैक्स अथॉरिटीज़ है वो ट्रीट करती है इनकम को इन वेरियस मीन्स, डिफरेंट डिफरेंट टैक्स जो टैक्स अथॉरिटीज़ जो चार्ज करती है टैक्सेस, डिफरेंट जो टैक्सेस होते हैं जो फर्दर गवर्नमेंट वर्क में लगाए जाते हैं, ठीक है, वो सब हमारी इनकम होती है। इन मोस्ट कंट्रीज अर्नड इनकम इज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर इट इज़ रिसीव्ड, ठीक है। अर्नड इनकम क्या है, टैक्स्ड, जो टैक्स होते हैं, जो टैक्स मतलब अर्नड इनकम इज टैक्स्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर इट इज़ रिसीव, उसके रिसीव होने से पहले ही टैक्स कर दिया जाता है। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय इनकम टैक्स फाइनेंसेस गवर्नमेंट एक्शन एंड प्रोग्राम्स इज डिटरमाइंड बाय फेडरल एंड स्टेट बजट्स। जो IRS है हमारा, वो इनकम जो सोर्सेज अदर देन अ जॉब, जो अदर देन अ जॉब है उनको सच एज इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है उसे अनअर्नड इनकम ट्रीट किया जाता है। फाइन, अब नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट्स, व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो कंसेप्ट नेशनल इनकम का क्या है, नेशनल इनकम मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। जैसे हम ट्वेल्थ में भी हमने पढ़ी है, नेशनल इनकम क्या होता है, वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस होती है विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। दस इट इज़ अ नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक प्लेस जो एक पीरियड ऑफ वन ईयर में या जो भी होती हैं, परफॉर्म होती हैं, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और वैल्यू किस टर्म में होती है, इन टर्म्स ऑफ मनी। बट नेशनल इनकम एक अनसर्टेन सी टर्म है, जैसे ट्रेडिशनली उसको किसी और उसमें कहा जाता था, जैसे मतलब कई सारे उसकी जो टर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं नेशनल इनकम की, कि अकॉर्डिंग टू द प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग है या नेट जो इनकम है, वो बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस हैं।
अनसर्टेन टर्म है, ऑफन यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है, इंटरचेंजेबली जो यूज होती है, अल्टीमेटली जिसका मतलब यही होता है, सेम होता है, बट एक जो डबल काउंटिंग का जो एक जो इसमें डीमेरिट है वो क्रिएट ना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हैं विद द नेशनल, एक इंटरचेंजेबली है, जैसे किस किस के साथ, विद द नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट, नेशनल एक्सपेंडिचर, कितना नेशनल डिविडेंड है या कितना नेशनल जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है या कितना एक्सपेंडिचर किया है, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ बाई अंडरस्टैंडिंग द नेशनल इनकम डेफिनेशन. जो डिफरेंट डेफिनेशन हैं चाहे वो ट्रेडिशनल है कोई सी भी, उनसे हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं. तो क्या है नेशनल इनकम? टोटल अमाउंट है जो इनकम अकर होती है विद इन अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ ईयर्स टाइम, ठीक है, जो इंक्लूड कर दिए क्या, पेमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज इधर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स. जो ये चार फॉर्म्स होते हैं, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स, इसमें जो पेमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है. द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री कैन बी डिटरमाइन बाय द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. कितनी नेशनल इनकम है, क्या ग्रोथ है नेशनल इनकम की, उससे डिटरमाइन किया जा सकता है हमारी जो ग्रोथ है किसी भी कंट्री की. नाउ कम टू द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सिमोन कुज़्निट्ज़. नेशनल इनकम क्या है, उनके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम क्या है, द नेट आउटपुट, जो हमारा नेट आउटपुट ऑफ कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कस्टमर्स, ठीक है. नेट आउटपुट जो है, जो हमारा प्रोडक्शन है, जो कॉमोडिटीज है या सर्विसेज जो फ्लो हुई हैं ड्यूरिंग अ ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम, जो कंट्री का प्रोडक्टिव सिस्टम है, इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कस्टमर्स, ठीक है. तो इसमें जो है यहाँ पे बीच में बहुत सारी चेंज आएंगी, तो इसमें एक जो क्रिएट होती है एक चांस ऑफ डबल काउंटिंग क्रिएट होता है, ठीक है, ट्रेडिशनल डेफिनेशन में. हैंस नेशनल इनकम कैन नॉट बी एस्टिमेटेड करेक्टली, ठीक है. तो कैसे, जैसे इसको देखो कैसे क्लियर करो इसको. अ प्रोडक्ट रन्स इन द सप्लाई फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूटर. एक प्रोडक्ट है वो उसकी सप्लाई जब होती है तो वो कितनी जगहों से होता हुआ जाता है, ठीक है. प्रोडक्ट रन इन द सप्लाई फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड दैन टू द अल्टीमेट कंज्यूमर. लास्ट में वो लास्टली अल्टीमेट कंज्यूमर के पास जाता है. इफ इन एवरी मोमेंट, इफ ऑन जितने भी मोमेंट है कॉमोडिटीज टेकन इन टू कंसिडरेशन, अगर कॉमोडिटी को कंसिडरेशन में लिया जाएगा देन द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीजेस, ठीक है. वहाँ पे जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी. तो नेक्स्ट है हमारी मॉडर्न नेशनल इनकम डेफिनेशन क्या है. तो मॉडर्न नेशनल इनकम डेफिनेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस जो हमारी जीएनपी है नेशनल प्रोडक्ट, इन दो चीज़ों में डिवाइड होता है ये मॉडर्न जो हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन है. ये फॉर श्योर आपने पढ़ रखी होंगी ट्वेल्थ में, ये पूरा आपका चैप्टर था इन योर टेंथ स्टैंडर्ड, और अभी भी आप बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे और इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे. आई थिंक इट इज़ ओनली अ रिवीजन, आप लोग सिर्फ इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो इसमें आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें पता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो क्या हुआ, टोटल वैल्यू है जो गुड्स एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं या सर्विसेज रेंडर्ड हुई हैं विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेटेड मार्केट प्राइस के थ्रू, मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है एट मार्केट प्राइस, ठीक है. और डिफाइन कैसे किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूट्स क्या क्या हैं जीडीपी में, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मिक्सड इनकम, डायरेक्ट टैक्स, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी वी नीड टू कैलकुलेट या कलेक्ट, वी नीड टू कलेक्ट एंड एसेस द डाटा फ्रॉम ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जितनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जो प्रोडक्टिव जैसे कल्चरल प्रोड्यूस किया हुआ, वुड, मिनरल कॉमोडिटीज़, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोडक्शन बाई ट्रांसपोर्ट, कॉम्युनिकेशन, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोफेशनल्स, ठीक है, जैसे लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स हैं एट मार्केट प्राइस, राइट. तो ये हमारा जीडीपी और जीएनपी क्लियर हुआ हमें. और इंक्लूड क्या क्या करती है वो, कंज्यूमर जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, क्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम है, क्रॉस जो प्रोड्यूस्ड है हमारे, सर्विस रेंडर्ड है, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एब्रॉड, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जीएनपी के
जो हमें पता है, हमें एक जो इन्वायरमेंट में है ये हमें एक थ्योरेटिकल फॉर्म में करना है। ये जो सारी चीज़ें हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या मेंशन करना है। अगर आपको वहाँ पे कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम पूछा जाएगा तो आप नेशनल इनकम की मीनिंग और ये जो आपके जो डिफरेंट ट्रेडिशनल टर्म और मॉडर्न टर्म आप लोग दे देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।